तो सुमन का बर्थडे है कल, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं का प्लान करते हैं। तो एक सरप्राइज़ प्लान मैंने इसके लिए किया है, इसको पता भी नहीं था। खैर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको एक सरप्राइज़ देते हैं, बर्थडे है तो हम लोगों ने प्लान किया। तो खैर आगे बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, बने रहना आगे कि कहाँ पे मैंने इसको इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो इवनिंग में हम लोग रेडी हो गए कि ठीक है फटाफट फटाफट पूरा काम करते हैं। पूरी तैयारियाँ थी इस तरीके से कि क्या पैकिंग करना है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो देखो यही होता है कि जा रहे हैं तो पैकिंग क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्योंकि ट्रेन की जर्नी होती है या बस की होती है तो सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब कुछ रखा फटाफट फटाफट, छुट्टी मैंने अप्लाई कर दी कि भाई जाना है। और ये भी था कि पिंकी दीदी के वहाँ पे भी जाना था हमें, क्योंकि अभी का मतलब थोड़ा लग गई थी उसको, तो मिलने जाना था ताकि दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो हाँ चल तो रहे, रुक जा, पहले तेरे को एक बर्थडे का प्री सेलिब्रेशन गिफ्ट तो दे दूँ मैं तुझे। मेरे लिए गिफ्ट है हाँ, पहले चश्मा था। ये हाँ फोटो क्यों, ये अच्छा क्योंकि तुझे एक नहीं, नया गिफ्ट मिलने वाला था, देखो ये मेरे लिए है। हाँ ये आपके लिए, अगर मैं पसंद नहीं आया तो पसंद नहीं आया तो वापस कर देना। वाह तो बड़ा प्यारा है। ओहो कैसा लगा, चलो अच्छा लग रहा है? चलो थैंक यू, चलो थैंक यू हमारी दीदी, ठीक है अच्छा लगा तुम्हें? हाँ चला, इस अब चलो जल्दी जल्दी चलना अपन को। चले हाँ जल्दी, चलो लेट हो रहे हैं फिर अपन, नहीं तो ये निकल जाएगी। चलो बाय बाय। फिर हम लोग गए वहाँ से, हमने बस ली डायरेक्ट गांधीनगर के लिए, क्योंकि गांधीनगर से ही हमारी ट्रेन थी। तो देखिए हम जा रहे हैं, और फिर ट्रेन हमारी 8:30 बजे थी, 8:30 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे स्टेशन पे। सुबह वो हमें 10:30 पहुँचाने वाली थी, तो आराम से हम पहुँचे, क्योंकि इंस्टेंट किया था तो बस निकल गए, सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा। फिर थोड़ा एक्साइटेड थे कि भाई पहली बार ऐसे इंस्टेंट प्लान बनाकर जा रहे थे, हमेशा से तो पहले से ही होता था, पर ठीक है दोनों साथ थे तो कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा सब मैनेज। फिर मॉर्निंग में हम लोग सुबह पहुँचे, उठे तो देखा कि हम लोग पंजाब पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट करीब थे अमृतसर के। और एक अलग ही फीलिंग थी कि वाह यार पहुँच गए फाइनली, ठीक है। और वेदर वहाँ पे बहुत अच्छा था, कि थोड़ा सा फॉगी टाइप का था। हाँ पंजाब में थोड़ी गर्मी रहती है ऐसा कहते हैं, फील हुई थोड़ी थोड़ी, लेकिन फॉगी वेदर था तो थोड़ा सा मैनेज हो गया। मतलब लकीली हम लोग को वेदर भी अच्छा मिल गया था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी उस दिन। तो हम लोग ऐसे नज़ारे देखते हुए जा रहे थे, और इस तरीके से हम पहुँचे अमृतसर जंक्शन पर। देखते ही खुशी देखने लायक थी कि भाई फाइनली वो पहुँच गए। सुबह सुबह पहले हमारे चेहरे से कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बड़े थके हुए हैं, हम जा रहे हैं टेम्पल। चलो यहाँ पे हम पहुँच गए सुबह के 10 बजे, हम शाम में बैठे थे 8 बजे। थोड़ा सा लंबी जर्नी थी, बट ठीक है कभी कभार तो करना पड़ता है ना, स्पेशल डे भी था। फिर बहुत सारी जगह थी, लेकिन हमने गोल्डन टेम्पल ही चूज़ किया कि एक ब्लेसिंग टाइप है, कि ठीक है ब्लेसिंग भी रहेगा और अच्छा भी है। तो मैं और सुमन आ गए, आके यहाँ स्टेशन पे थोड़ा सा जाहिर सी बात है थक गए, तो थोड़ा फ्रेश होना था, तो हम लोग यहाँ पे वुमेंस वाला जो डिपार्टमेंट था उसमें हम आ गए। ये वेटिंग रूम है, बहुत ही क्लीन है, बहुत अच्छा है, तो हम आराम से यहाँ पे आराम से तैयार हो पाएंगे, फिर हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे। इस तरीके से हम तैयार हो गए, और फिर निकलने लगे तो सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं, वो भी नेसेसरी है, फिर आराम से घूमेंगे कुछ खा पी के। तो वही हम लोगों ने यहाँ, ये हम चाय लेके आ गए हैं। ट्रिप की शुरुआत तो हम चाय से ही करेंगे ना, चाय। ये हम पहुँच गए थोड़े पैसे लगा।
जा रहे हैं पंजाबी देख सी बनाया तो आप तो पैसे फिर इसने यहाँ क्यों छोड़ा अपने को पंजाब म्यूजियम लिखा हुआ है ना सीधा सीधा पार्टीशन म्यूजियम ओके विभाजन हुआ था ना वहाँ म्यूजियम बनाया था इन्होंने क्या हाँ वही तो चल हम पहुँच गए हैं अरे बाबा साहब यार आप नहीं पहली तरह छोड़ दियोगे यार कोई ना बागा बॉर्डर जाऊँ मैं गोल्डन टेम्पल इस तरीके से हमें लग रहा था कि हम गोल्डन टेम्पल के बहुत करीब पहुंच गए हैं तो जाते जाते सोच रहे हैं कि पहुंचने से पहले हम कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेते हैं रास्ते की क्योंकि बहुत खूबसूरत था मार्केट बहुत अच्छा था अच्छी फीलिंग आ रही थी तो मैं और सुमन वीडियो बनाते हुए फ़ोटो खींचते हुए जा रहे थे और मज़े लेते हुए उसके बाद में हम लोग पहुंचे गोल्डन टेंपल एंड प्लीज़ वीडियो एंड होने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं गोल्डन टेंपल ये पार्ट वन है अगले वाले पार्ट में मैं आपको एक्सपेंसेस भी बताऊंगी कि कैसे कैसे कहां कहां कितने एक्सपेंसेस लगते हैं बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए सपोर्ट के लिए ऐसे ही आगे आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जब तक आप देखिए और बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग